अच्छी नीयत से शुरू होता है, लेकिन शैतान का वसवसा उन नीयतों को खराब कर देता है। बात शुरू होती है खुदादर्शी से, बात शुरू होती है खुदा की मर्जी हासिल करने से, लेकिन इंसान गफलत में न जाने कितनी ऐसी चीजों का मुंतकिब होता है कि खुदा के बजाय बंदों की रजा चाहने लगता है, खुदा के बजाय लोगों की खुशनूदी चाहने लगता है, और उसकी बारिश जो होती है कि समाज में हमारी वाह-वाह हो जाए, समाज में हमारी तारीफ को फोटो खींचे जाए, हमारी तारीफ की जाए, लोग हमारा तस्करा करें, लोग हमारी बातें करें, कितने सही हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, और न जाने कि आप कुछ इंसान के दिल में ये बात आती है। बात अवतार इसके लिए मुस्बत पहलू की तलाश कर लिए जाते हैं कि हम अपनी तारीफ के लिए ये काम नहीं कर रहे, बल्कि इसका मकसद यह है कि लोगों में सखावत की स्पीड पैदा हो, हमको देखेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से वो भी ये काम करेंगे। शैतान तरह तरह से हमारे जहनों को बहकाता है, उकसाता है, और अच्छे कामों में खुद अपनी नफसानियत को शरीक करके हमारे अच्छे काम को खराब कर देता है। तो काम का आबाद हुआ था जिंदगी से, काम का आबाद हुआ था खुदा की खुशनूदी हासिल करने से, लेकिन जब हम पलट के देखते हैं वो शोहरत पसंदी का शिकार हो जाता है, दिखावे का शिकार हो जाता है। आप देखें एक आदमी नमाज पढ़ रहा है अकेले में, उसकी नमाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए होती है, लेकिन अगर कोई देखने वाला आ गया तो वो समझ जाता है और वो सुजूद को अच्छे तरीके से अंजाम देता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी नमाज खुदा के लिए थी तो पहले समझ के क्यों रुकू सुजूद नहीं कर रहा था, और अब संभलने की क्या जरूरत है? अगर बंदों के लिए है तो फिर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? बंदों की खिदमत करे जाकर ये इंसान के दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं खुद पसंदी पाई जाती है, कहीं ना कहीं रियाकारी और दिखावा पाया जाता है। काम अच्छा होता है लेकिन ये जज्बे इंसान के कामों को खराब करते हैं। हमें खुदा से दुआ करना चाहिए जैसा कि इमाम ने दुआ फरमाई कि परवरदिगार शोहरत पसंदों की शोहरत, रियाकारों की रियाकारियों से हमारे अमल को खाली बना दे, यानी अगर तेरी तौफीक शामिल हाल न हो तो हमारा नेक अमल भी शैतान के वसवसे की बुनियाद पर दिखावे का शिकार हो जाएगा। और ये इतना बुरा मरद है कि बहुत मुश्किल से आदमी अपने आप को इससे छुड़ा पाता है। मेरी नसीहत है और मेरी ताकीद है खुद अपने लिए और दूसरों के लिए जहां तक मेरी आवाज पहुंचे कि इंतहाई बुरा काम है दिखावा, इंतहाई जलील काम है रियाकारी, और लोगों के दरमियान में एक तरह की इमेज कायम करना और दूसरों को दिखाना। बाद अवकात इंसान रियाकारी का शिकार होता है और उसका अमल गायब हो जाता है। एक शख्स जिसने 30 साल पहली सफ में नमाज जमात अदा की थी, आसान काम नहीं है 30 साल तक मुसलसल पहले सब में खड़े होकर के नमाज जमात अदा की। एक दिन किसी काम से गया हुआ था, आपसी में देर हो गई तो उसे पहले सब नहीं मिली, वर्क मिली दूसरी सब में उसे जगह मिली। तो वो नमाज तो पढ़ रहा था लेकिन उसके दिल में खलिश थी कि आज कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि ये पहली सब हमसे छूट गई, कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जिसकी बुनियाद के ऊपर
धीरे धीरे उसने अपना महासभा शुरू किया कि ये पूरा कूड़ा था, नमाज तो नमाज है, अगर पहली सब में जगह नहीं मिली तो दूसरी सब में मिल गई, दूसरी सब में मुमकिन है आपकी सब मिल गई, क्या इतनी परेशानी की बात हो। उसने जब गौर किया तो उसको ये पता चला यानी कि खुद इंसान के दिल में कौन कौन से जज्बात छुपे हैं खुद आदमी नहीं जानता, खुद उससे वाकिफ नहीं है। लिहाजा जब उसने गौर किया तो ये पता चला कि उसके दिल में ये खुद पसंद नहीं पाई जाती है कि हम ऊंचे हैं, हमको अगली सब में होना चाहिए, और अगर पिछली सब में चले गए तो इसका मतलब यह है कि लोगों की निगाहों में हमारा मर्तबा कम हो गया, तो हम पहली सब में सवाब की ज्यादती की गरज से नमाज नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि लोगों की निगाहों में ऊंचा बनने के लिए हम
Yes, I'm